नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 अगस्त सोमवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, इस बीच ये चर्चा भी जोरों पर है कि क्या स्कूल खोलना सुरक्षित होगा और क्या ये सही समय है। मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन ने स्कूल खुलने को लेकर चिंता जाहिर की है। डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा कि स्कूल खोलने की इतनी जल्दबाजी क्यों है। मेरी लोगों से अपील है कि वैक्सीन जब तक ना आ जाए तब तक धैर्य बनाए रखें, एक बार सभी बच्चे को टीके लग जाएं, फिर आप स्कूल खोलें। उन्होंने कहा कि हमारी जनसंख्या के आकार को देखते हुए हमें सतर्क रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के जरिए देश को संबोधित किया। उन्होंने खेल दिवस, खेलों और खासकर हॉकी का जिक्र करते हुए मेजर ध्यानचंद को याद किया और एक नया नारा दिया, सब खेलें सब खेलें। मोदी ने कहा कि ओलंपिक ने इस बार प्रभाव पैदा किया है और हर परिवार में खेल की चर्चा शुरू हुई है। साथ ही कहा कि हुनरमंद लोग आज के विश्वकर्मा हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचे। ज्ञानी जैल सिंह के बाद 38 साल में पहली बार भारत के कोई राष्ट्रपति अयोध्या पहुंचे हैं। राष्ट्रपति ने इस दौरान रामायण कॉन्क्लेव की शुरुआत की और कहा कि बिना राम के अयोध्या नगरी की कल्पना करना भी मुमकिन नहीं है। राम के बिना अयोध्या है ही नहीं, अयोध्या तो वही है जहाँ प्रभु श्री राम है। राष्ट्रपति ने हनुमानगढ़ी में भी पूजा की। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। फिट इंडिया कार्यक्रम के 2 साल पूरा होने पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ये लॉन्चिंग की गई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये एक मुफ्त मोबाइल एप्लीकेशन है जो फिटनेस की जानकारी में मदद करेगा। उन्होंने एक स्लोगन भी दिया, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। राजस्थान में छबड़ा परियोजना की 250 मेगावाट की प्रथम इकाई एवं 660 मेगावाट की पांचवी इकाई से विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है। ऊर्जा मंत्री डॉ. बी डी कल्ला ने बताया कि इसके साथ ही कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए काली सिंध परियोजना की 600 मेगावाट की एक इकाई से भी विद्युत उत्पादन रविवार को सुचारू रूप से प्रारंभ हो चुका है। राजस्थान में अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में पुलिस ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ऑनलाइन ठगी करने वाली गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना पुलिस प्रभारी जहीर अब्बास ने बताया कि ये लोग लड़की के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर दोस्ती का झांसा देते, अश्लील बातें करते और बातों ही बातों में अपने जाल में फंसाकर वीडियो कॉल कर सामने से लड़की बनकर लुभावनी बातें करते और सोशल मीडिया के अनेकों प्लेटफॉर्म पर वायरल करने की धमकी देकर मोटी रकम ऐंठते थे। राजस्थान में इस बार औसत सामान्य वर्षा होने के बावजूद करीब 1 दर्जन जिलों में बारिश की कमी के कारण सूखे के आसार नजर आने लगे हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार राज्य में अब तक सामान्य वर्षा 430.19 मिलीमीटर की तुलना में 377.96 मिलीमीटर बरसात हुई। हालांकि सामान्य वर्षा के आंकड़ों से 12.1% कम है, लेकिन सामान्य से 19% कम या ज़्यादा वर्षा सामान्य बारिश की श्रेणी में मानी जाती है। राज्य में सबसे ज़्यादा बरसात की कमी एवं सूखे के आसार सिरोही जिले में नजर आ रहे हैं। मथुराधीश कृष्ण ने धौलपुर स्थित श्यामाश्चल की गुफा में ही कालिया वन को महाराज मुचुकुंड द्वारा भस्म कराया था। ये गुफा आज भी धौलपुर में स्थित है। इसका उल्लेख विष्णु पुराण और श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद के 5म अंश 23वें व 51वें अध्याय में मिलता है। इसके अनुसार त्रेता युग में महाराजा मानधाता के 3 पुत्र हुए, इनमें अमरीश, पुरु और मुचुकुंड। युद्ध नीति में निपुण होने से देवासुर संग्राम में इंद्र ने महाराज मुचुकुंड को अपना सेनापति बनाया। युद्ध में विजयश्री मिलने के बाद महाराज मुचुकुंड ने विश्राम की इच्छा प्रकट की। देवता ने वरदान दिया कि जो तुम्हारे विश्राम में खलल डालेगा वो तुम्हारे नेत्र शक्ति से वहीं भस्म हो जाएगा। यूजी फाइनल ईयर की परीक्षा और फर्स्ट ईयर को प्रमोट करने के बाद अब सेकंड ईयर के छात्रों की परीक्षा का समय आ गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी यूजी सेकंड ईयर के करीब 1,54,000 छात्रों के लिए परीक्षा सितंबर में आयोजित करेगी। ये परीक्षाएं 17 सितंबर से शुरू होंगी। इनके अलावा प्रदेश को विभिन्न यूनिवर्सिटीज करीब 6 लाख से ज़्यादा छात्रों की परीक्षा आयोजित कराएगी। राजस्थान में लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं का इंतजार कर रहे बेरोजगारों के लिए सितंबर अक्टूबर का महीना राहत लेकर आया है। ये 2 महीने ऐसे हैं जिनमें सर्वाधिक प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी और प्रदेश के 54 लाख बेरोजगार युवा अपने सपनों को साकार करने के लिए इन परीक्षाओं में शामिल होंगे। यानी ये कहा जा सकता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से सितंबर अक्टूबर में उत्सवी माहौल रहेगा। इन दौरान रीट, पटवारी, RAS, SI भर्ती जैसी बड़ी परीक्षाओं सहित 10 प्रतियोगी परीक्षाओं सहित प्री DL EDड, प्री BEd का आयोजन भी होगा।
राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं परीक्षा पिछले 11 साल में मात्र 6 बार ही हो पाई है, लेकिन इसके बावजूद युवा ऑफिसर्स प्रदेश को मिल रहे हैं। साल 2008 से लेकर साल 2018 तक मिले कुल 371 ऑफिसर्स में से 158 अधिकारियों की आयु 30 साल से भी कम है। सबसे अधिक RAS 25 से 30 साल की उम्र के हैं। दूसरी ओर भर्ती में 2 से 3 साल लग जाने और चयनित अफसरों की 2 साल की ट्रेनिंग के बाद जो प्रशासनिक अफसर असली सीट पर पहुँचते हैं तब तक औसत आयु 28 साल की होती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।